राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार चल रही है, लेकिन वहीं बात करें तो विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी जो अभी 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, उन 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में तो बीजेपी ने जीत दर्ज करी थी, लेकिन राजस्थान में इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में बीजेपी का बिल्कुल भी स्कोप नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोटा की, जहां पर शांति धारीवाल जिन्होंने कांग्रेस के अंतर्गत कई ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता को शामिल किया है, जिसमें उन सभी ने भाजपा की सदस्यता भी छोड़ दी है और वह सब भाजपा से नाखुश होते हुए नजर आ रहे हैं। यह आंकड़ा 40 से पार का बताया जा रहा है, और लगभग लगभग 40 से पार का जब ये आंकड़ा सामने आया तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही क्षेत्र कोटा और कोटा के अंदर बीजेपी से इतने कार्यकर्ता नाराज जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर ली है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी गिरती हुई नजर आ रही है। अब इसमें देखने की बात तो यही रहेगी, क्या इसके बावजूद भी बीजेपी राजस्थान के अंदर अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाबी हासिल कर पाती है या नहीं, और किस किस ने कल कोटा के अंदर शांति धारीवाल की अध्यक्षता में यह कांग्रेस की सरकार को ज्वाइन किया है, इन सभी से मैं आप सभी को इस रिपोर्ट से रूबरू करवाता हूँ। तो नजर डालते हैं इस रिपोर्ट की ओर। कोटा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता पार्टी से टूटे हुए हैं और कांग्रेस में शामिल भी हो रहे हैं। रामपुरा क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तो रविवार को रामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और पार्टी में शामिल भी हुए हैं। बात करें इस कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि UDH मंत्री शांति धारीवाल रहे। उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराने पर कार्यकर्ताओं का कांग्रेस का दुपट्टा पहना करके उन सभी का स्वागत सम्मान किया है। कार्यक्रम में 43 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन तो थामा, और इनमें कई महिला कार्यकर्ता भी शामिल होती हुई नजर आई हैं। बात करें UDH मंत्री शांति धारीवाल की, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार जनता के हित में और प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कोटा में भी विकास के कई काम अभी भी चल रहे हैं, और विकास के कामों को देख करके ही लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सालों तक बीजेपी के कार्यकर्ता रहे युवा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि उन्हें सिर्फ कांग्रेस पर ही विश्वास है कि कांग्रेस की आम जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। धारीवाल ने यह भी कहा कि युवाओं को प्रेरित करेंगे कि और भी साथियों का कांग्रेस परिवार की सदस्यता बनना सहमति मिल सके और वह सब मिलकर के विकास में अपना सहयोग दे सके। फिलहाल तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए News19 के साथ। नमस्कार।